हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये फॉर्मूला वन आपने पहले भी देखी होगी। तो ये मैंने ना फर्स्ट टाइम मार रहा हूँ। मैंने पहले डिटेलिंग कराई थी कार की, एक महीना हो गया। तो आज संडे था, फ्री से, मैं क्या इसको यूज़ करके देखता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। एक्चुअली इसको सबसे बड़ा कारण है, इसको मारना, यूज़ तो सब लोग करते हैं, पर इसको मारने का जो तरीका है ना, वो नहीं जानते। इसको हमने स्क्रब करना है ऐसे, जो गाड़ी में सॉइल स्पॉट होते हैं ना, मिट्टी से आ जाते हैं, या और भी कई कारण हैं, स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि लगाया और कपड़ा मार दिया छुट्टी होगी, ऐसे नहीं है। अभी शाम के 7-8 बज रहे हैं, मैं अभी पूरी गाड़ी पे अप्लाई करूँगा, अप्लाई करके उसको छोड़ दूँगा और सुबह को फिर उस पर 7-8 घंटे 10 घंटे वो लगी रहेगी, फिर उस पर कपड़ा मारूंगा। ये उसका तरीका है। लोग क्या करते हैं कि लाए और सीधा लगाई और उसी टाइम कपड़ा मार दिया, वैसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इसको धूप में नहीं मारना, गर्मी में छाए में खड़े करके। जैसे अब तो चलो ठंडा मौसम है, छाए में गाड़ी को खड़ी करके फिर अप्लाई करना है। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ, वीडियो को एंजॉय कीजिए। ऐसे ऐसे है ना, घुमा घुमा के इसको अप्लाई करना है, जिससे हमारी गाड़ी में जो स्क्रैचेज हैं, छोटे मोटे स्क्रैचेज, जो ज्यादा गहरे हैं वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो आपके सारे ठीक हो जाएंगे। और काफी देर तक इसको आपने ऐसे करना है। जैसे रबिंग करते हैं ना, रबिंग करते हो आपने देखा, वो मैनुअली आजकल तो चलो मशीन से करने लगे हैं वो लोग, पर पहले ऐसे हुआ करती थी। और बहुत ज्यादा भी नहीं लगानी है, या आपने बहुत ज्यादा लगा ली, और इस चीज का ध्यान रखना, ये जैसे ये काजल हैं, कॉर्नर हैं, इसमें घुस जाती है ये आप कहीं भी लगा सकते हो, ग्लास में भी लगा सकते हो, उसमें आपके ग्लास की शाइन और बढ़ जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये इन चीजों में ना जाके ये ना घुसे, क्योंकि वो फिर घुस जाएगी तो वो काम बढ़ जाएगा, वो सब साफ करनी पड़ेगी, फिर सारी निकालनी पड़ेगी आपको। अगर चले भी जाती है कोई बात नहीं, आप उसको उसी टाइम निकाल लीजिए। क्योंकि जब हम उसको लगाते हैं तब तो वो गीला गीला है ना लिक्विड फॉर्म में, और जब उसके बाद जब आप सुबह को देखेंगे, जाके मैं तो सुबह को देखूंगा, तो जैसे आप उसको उतारेंगे तो वो पाउडर की तरह उतरेगी, अगर जान ज्यादा लगा दी होगी, ठीक है मैम। और जो काले ब्लैक पार्ट हैं गाड़ी के, काले वाले प्लास्टिक पार्ट हैं, उसमें अगर लग गई है तो उसको वाइट कर दीजिए, तो उसमें क्या करना है, हमें बाद में ना डैशबोर्ड पॉलिश मारनी है। आपकी गाड़ी का बिल्कुल नए जैसा लुक आ जाएगा। तो ये है कि थोड़ा मेहनत है, मेहनत वाला काम है ये, बिल्कुल भी आप जल्दबाजी में मत कीजिएगा,
अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, जब आपके पास टाइम हो तब कीजिएगा। कार पॉलिश तो बहुत आती है मार्केट में, पर वो है कि रिजल्ट सबका एक जैसा ही होता है तकरीबन, पर उसको अप्लाई करने का तरीका है बाकी। अब ये देखिए थोड़ा सा ना, या फिर रब करना है किसी चीज को, वो वाला मैटर रह जाता है, रब वाला। और यही चीज नहीं ज्यादातर लोग कर पाते, उन्हें का सीधा मारी और चलो हो गया काम, उसका कोई फायदा नहीं। आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो उसको। और वही है कि बस दो तीन ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो एजेज में कोनों में ना फंसे, क्योंकि लगाते हैं तो लगेगी वो, उसको उसी टाइम आपने निकाल देना। उसके बाद ज्यादा है जब उस पर सुबह कपड़ा मारना है हमने, वो ज्यादा वाला काम है। कपड़ा भी पूरा प्रॉपर मारना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मारा, क्योंकि अगर वो लगा रह गया ना तो आपकी गाड़ी पूरी डस्ट पकड़ लेगी। कर ली है, अब आपको ना मैं सुबह दिखाऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट है, कैसी शाइन है, और आप वीडियो में बने रहना। अगले पार्ट में मैं आपको पूरा इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको सुबह बाकी का रिजल्ट कंप्लीट दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने रबिंग सारी कर चुकी है, अब मैं दिखा के इसको फाइनल सुबह देखना। हेलो कार्तिक, हाय फ्रेंड्स, ये देखिए अब फॉर्मूला वन पॉलिश हमने रात को अप्लाई की थी, मॉर्निंग में पूरी रात उसको लगा छोड़ दिया। अब मॉर्निंग में मैंने उसको ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है इसके साथ पूरा रब किया है, रब किया है, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं और कितनी बेहतरीन शाइन आई है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल शीशे की तरह पूरी गाड़ी आप कहीं से भी देख ली, अपनी बिल्कुल फेस दिखता है बीच में, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। पर ये है कि थोड़ा सा कारण यह है कि ये महीने में एक बार लगनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम वैसे करते हैं, मान लो कोई कोटिंग वगैरह या वो करते हैं, और इससे पहले मैंने इस पर कोटिंग भी अप्लाई कर चुका हूँ, सेरामिक कोटिंग 9H की, थोड़ा सा वो भी मैंने अप्लाई की थी, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। और ये है कि उसमें थोड़ा सा उसका प्रोसेस अलग है, तो ये रेगुलर आप अपनी कार को मेंटेन कर सकते हो फॉर्मूला वन से, इजी है ये, ज़्यादा वो वैसा नहीं है, क्योंकि सेरामिक कोटिंग का मैं इसीलिए नहीं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा उसका प्रोसीजर अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारी वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और आपको हमारा काम कैसा लगा, पॉलिशिंग का वर्क कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि सही है, बढ़िया है, कैसा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद मैं और इससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कोई नई चीज़ की। तो इस वीडियो को यहीं हम इस ब्लॉग को पूरा करते हैं।